माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय श्री जीतन राम माझी जी, श्री अजीत शर्मा जी, श्री महबूब आलम जी, श्री राम रतन सिंह जी, श्री अजय कुमार जी, श्री अख्तारुल इमाम जी एवं इस सदन में मौजूद सभी दलों के माननीय सदस्यगण, आज सर्वसम्मत से मुझे अध्यक्ष पद पर निर्वाचित कर आप लोगों ने जो मिसाल पेश किया है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, किसान हूँ। किसानों की समस्याओं के लेकर मैंने संघर्ष किया है। मुझे गर्व है कि मैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म स्थली सीवान जिले से आता हूँ। मैं गांधी और लोहिया के विचारधारा से काफ़ी प्रभावित रहा हूँ, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूँ। मैं लोकनायक नए जयप्रकाश नारायण जी की नीति विचार एवं सिद्धांतों को अपनाने का प्रयास भी करते रहा हूँ कि कैसे विचारों का व्यवहारिक रूप दिया जाता है। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर के उन आदर्शों को भी अपनाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे समाज के वंचित और पीड़ित समुदायों के साथ खड़ा हुआ जाता है, उनके तकलीफों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं माननीय लालू जी के दिल के करीबी हूँ। उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया, उन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, अन्याय के विरुद्ध लड़ने का हिम्मत दिया। उनकी राजनीतिक कुशलता मुझे संघर्ष करने की प्रेरणा देती है, इसलिए मैं उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। क्योंकि देश में एकमात्र सेकुलर अव्वल दर्जे के समाजवादी नेता हैं जो सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव एवं आपसी भाईचारे को मजबूत करने के दिशा में काम करते रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति इतना ही कहना चाहता हूँ कि वे मात्र मुख्यमंत्री नहीं हैं, वे स्टेट्समैन हैं। एक विराट दूरदर्शिता है उनमें। उनके पास डॉक्टर श्री कृष्ण जी सिंह जी जैसी प्रशासनिक कुशलता है। उनके पास सबों को साथ लेकर चलने का जज्बा है। उनके उद्गार के प्रति मैं उनका आभारी हूँ। मैं बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूँ। यह बिहार के लिए एक सौभाग्य की बात है कि उसे एक सशक्त युवा नेता मिला है जो हम जैसे बुजुर्गों को साथ लेकर चलने का जज्बा रखता है। मैं उनके प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूँ। मैं विधानसभा में अन्य सभी दलों के माननीय सदस्यों से, उनके नेता से प्रभावित रहता हूँ। मैं हमेशा जनता के हित के प्रति सजग रहे हैं। मैं आप सबों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सबों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों की मान एवं सम्मान की रक्षा करता रहूंगा। बिहार की जनता के हितों के लिए बिहार विधानसभा के इस फोरम को अधिक से अधिक सशक्त बनाने का प्रयत्न करूंगा। मैं चाहूंगा कि सदन में विमर्श का स्तर अच्छा हो। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से हम बिहार की जनता के हितों की नहीं साध सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सभा जनता के दुख दर्द का आईना बनकर आप सभी प्रतिनिधियों के साथ सरकार को सही मार्गदर्शन देता रहेगा और सरकार विधानसभा के प्रति अपनी जवाबदेही निभाती रहेगी। यह सदन और यह संसदीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें माननीय सदस्य आम जनता की तकलीफों को एक कागज में लिख कर देते हैं। सदन में विमर्श होता है, तत्क्षण उसका निपटारा होता है या उसके लिए नीतियां बनती है, कानून बनते हैं। यही संसदीय व्यवस्था की खूबसूरती है।
इस देश के लिए जहां विभिन्न धर्मों और जातियों को आबादी रहती है, उनकी आवाज को उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से उठाया जाता है और उन मुद्दों प्रश्नों का हल यहां ढूंढा जाता है। आप लोगों ने मुझे एक चुनौती भरा दायित्व सौंपा है, मैं प्रयास करूंगा कि इस चुनौती पर खरा उतरूं। इसके लिए मुझे स्वयं को स्वस्थ परंपरा में इसके लिए मुझे स्वयं को स्वस्थ परंपरा में ढालना होगा, क्योंकि आसन के संदेश का अनुपालन सरकार उसे गंभीरता से तभी लेगी जब वह नीति संगत हो, न्याय संगत हो। साथ ही ऐसा होने पर ही आसन सरकार से माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए गए उचित प्रश्न का सकारात्मक हल निकालने का आग्रह कर सकेगा तथा आसन इस चुनौती का सामना कर सकेगा। आप सबों ने मेरे प्रति जो उद्गार व्यक्त किया है, मैं प्रयास करूंगा कि आप सबों की अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि आसन की निष्पक्षता बनी रहे। आसन का संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के अनुरूप हो तथा सदन का मान बढ़े, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सबों का पूर्ण सहयोग मुझे प्राप्त होगा। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, नेता विरोधी दल एवं सभी दलों के नेतागण तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ।